Hey guys, what is up? क्या हाल चाल है आप लोगों के? और दोस्तों obviously IPL चल रहा है आजकल, आप में से बहुत सारे लोग IPL भी देखते होंगे। और IPL देखने का सबसे बेस्ट तरीका है भाई जितनी बड़ी स्क्रीन हो। मेरे घर में तो सबसे बड़ा जो टीवी है वो है 55 इंच का, लेकिन आजकल जो मैं IPL एंजॉय कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ प्रोजेक्टर पर। और अभी मैं रिसेंटली बहुत सारे बजट प्रोजेक्टर का रिव्यू भी कर रहा हूँ, और उनमें से जो एक प्रोजेक्टर है जो आपको बजट में मिलता है वो है ये, और ये आता है ZECO कंपनी का। इसका मॉडल नंबर है W2 Pro, और ये जो प्रोजेक्टर है पिछले एक महीने से मैं यूज़ कर रहा हूँ। और सही बोलूँगा भाई, 20,000 रुपये में जितने भी आपको प्रोजेक्टर मिलते हैं उनमें से ये सबसे बेस्ट जो प्रोजेक्टर है। जैसे ये जो प्रोजेक्टर है ये आता है 1080p फुल HD नेटिव रेजोल्यूशन के साथ, और ये चीज़ काफ़ी सही है क्योंकि बहुत सारे जो प्रोजेक्टर हैं इस प्राइस पॉइंट में आपको 720p के साथ मिलते हैं। उसके अलावा ये एक एंड्रॉइड स्मार्ट प्रोजेक्टर है, तो आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 9.0 देखने को मिलेगा। एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पर 4D कीस्टोन करेक्शन है, और उसके बाद यहाँ पर 50,000 घंटे इसका जो लैम्प की लाइफ रहती है। और उसके अलावा यहाँ पर इसके साइड में भी इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन है जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। और इस बॉक्स में आपको यहाँ पर प्रोजेक्टर के अलावा एक इसका रिमोट देखने को मिलता है जिससे आप इसको कंट्रोल कर पाओगे। उसके अलावा यहाँ पर एक पावर केबल है, AV केबल है, और साथ में आपको एक यूजर मैनुअल दिया हुआ है। लेकिन अब आए अगर प्रोजेक्टर की तरफ, तो सबसे पहले बात करेंगे इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। और जैसा आप देख ही सकते हो कि ये जो प्रोजेक्टर है व्हाइट कलर का आपको देखने को मिलता है, व्हाइट और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन है। काफी एलिगेंट इसकी लुक है और दिखने में काफी मॉडर्न सा लगता है। बाकी बिल्ड क्वालिटी वाइज वैसे यहाँ पर प्लास्टिक है, लेकिन जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो काफी सॉलिड है, और वेट भी मैं बोलूंगा कि यहाँ पर 1 किलो के आसपास है। और उसके बाद अगर मैं इसके ओवरव्यू की बात करूं, तो ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर इसका जो कंट्रोल पैनल देखने को मिलेगा, एक टच कंट्रोल पैनल है, तो बटन्स वगैरह को आप टच के थ्रू यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। तो रिमोट के अलावा यहीं से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो, इनपुट सेलेक्ट कर सकते हो या फिर नेविगेट कर सकते हो। उसके अलावा ऊपर की तरफ एक फोकस रिंग है और साथ में एक कीस्टोन रिंग है एडजस्ट करने के लिए। प्रोजेक्टर के एक तरफ आपको एक एयर वेंट दिया हुआ है जिसमें आपको फिल्टर मिलता है, और ये जो फिल्टर है आप इसको ओपन करके क्लीन वगैरह कर सकते हो, तो थोड़ा सा डस्ट वगैरह नहीं जाएगी यहाँ पर। और प्रोजेक्टर की दूसरी साइड भी आपको यहाँ पर एयर वेंट मिलता है एयर सर्कुलेशन के लिए, और साथ में आपको यहाँ पर पोर्ट्स मिलते हैं। तो इस प्रोजेक्टर में आपको 2 USB A पोर्ट मिलते हैं, तो कोई भी पेन ड्राइव वगैरह लगा सकते हो मीडिया वगैरह के लिए, और साथ में आपको 2 यहाँ पर HDMI के पोर्ट दिए हुए, तो कोई भी स्ट्रीमिंग डिवाइस या फिर जैसे कोई कंसोल वगैरह लगाना चाहते हो तो इससे अटैच कर सकते हो। साथ में आपको यहाँ पर एक 3.5 हेडफोन जैक है, और साथ में AV पोर्ट भी दिया हुआ है। और प्रोजेक्टर के पीछे की तरफ आपको स्पीकर ग्रिल मिलती है, यहाँ पर 5 वॉट का स्पीकर है, और यहाँ पर ये जो स्पीकर ग्रिल है इसके ऊपर थोड़ा सा फैब्रिक टेक्सचर है, तो थोड़ा सा एलिगेंट लुक देता है। और साथ में यहाँ पर पावर पोर्ट है तो इसको पावर करने के लिए। तो ये तो बात हुई इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में जो कि काफी सही है, लेकिन अगर बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन और इसके जो परफॉर्मेंस के बारे में, तो जैसे मैंने बताया था ये जो प्रोजेक्टर है इसमें आपको जो 1080p की नेटिव रेजोल्यूशन मिलती है, तो इस वजह से यहाँ पर जो डिस्प्ले की क्वालिटी है या फिर पिक्चर की क्वालिटी है वो काफी शार्प है, टेक्स्ट काफी शार्प है, जो कलर्स हैं वो भी काफी पंची से हैं, काफी वाइब्रेंट से कलर आपको मिलेंगे। क्योंकि कलर एक्यूरेसी की बात करूं इस प्रोजेक्टर की, तो यहां पर आपको 85% NTSC कलर गैमेट मिलता है, जो कि 122% sRGB होता है, जो कि काफी कलर एक्यूरेट माना जाता है। उसके अलावा यहां पर जो कॉन्ट्रास्ट रेशो है वो है 5000:1 का, तो यहां पर आपको काफी डीप ब्लैक देखने को मिल रहे हैं, व्हाइट जो आपको एरियाज मिलेंगे वो भी काफी ब्राइट रहेंगे। और प्रोजेक्टर में ब्राइटनेस भी काफी इंपॉर्टेंट रहती है, जितनी ज्यादा ब्राइटनेस हो उतनी ज्यादा यहां पर पिक्चर क्वालिटी और अच्छी हो जाती है। तो इस प्रोजेक्टर में आपको जो ब्राइटनेस मिलती है वो मिलती है 570 ANSI की, और कंपनी के लिए मैं यहां पर 6300 लूमेंस की आपको ब्राइटनेस मिलती है, और ब्राइटनेस में बोलूंगा कि काफी सही है। तो अगर आपके रूम में थोड़ी बहुत भी एम्बिएंट लाइट रहती है तो भी यहां पर जो प्रोजेक्टर की क्वालिटी काफी सही है, लेकिन अगर आप डार्क एनवायरनमेंट में इस प्रोजेक्टर को यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली यहां पर जो पिक्चर क्वालिटी रहती है, कॉन्ट्रास्ट रेशो रहता है, वो और भी अच्छा हो जाता है। और इस प्रोजेक्टर की मदद से आप यहां पर 120 इंच तक की जो स्क्रीन है उसे यहां पर प्रोजेक्ट कर सकते हो। वैसे कंपनी का कहना है कि 200 इंच तक भी कर सकते हो, लेकिन मेरे को लगता है कि 120 इंच तक की जो यहां पर स्क्रीन रेजोल्यूशन है या फिर जो शार्पनेस वगैरह रहती है वो काफी बढ़िया रहती है, और जो एक्सपीरियंस रहेगा वो काफी अच्छा रहता है। और सही बोलूंगा पिक्चर क्वालिटी किसी भी 20,000 रुपए से नीचे जितने भी प्रोजेक्टर मैंने यूज करें उनमें से सबसे बेस्ट पिक्चर क्वालिटी इस प्रोजेक्टर में मुझे देखने को मिली है। उसके अलावा कुछ और फीचर्स की बात करें, तो यहां पर ये जो प्रोजेक्टर है जैसे मैंने बताया ये स्मार्ट प्रोजेक्टर है, तो आपको यहां पर एंड्रॉइड 9.0 देखने को मिलता है, और साथ में आपको गूगल प्ले स्टोर भी यहां पर दिया हुआ है, तो आप और भी ऐप्स हैं इसमें इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे कि नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, हॉटस्टार है, या फिर अगर आप गेम्स वगैरह भी डालना चाहते हो तो वो भी यहां पर डाल सकते हो। यहां पर आपको 1 GB की LPDDR4 RAM दी हुई है, साथ में 8 GB की इनबिल्ट स्टोरेज है जिसकी वजह से आप ऐप्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो, और मुझे लगता है काफी सफिशियंट है। अदरवाइज आप अपनी जो पेन ड्राइव वगैरह लगा सकते हो मूवीज वगैरह के लिए। और उसके बाद इस प्रोजेक्टर में जैसे मैंने बताया था इसमें आपको एक 5 वॉट का इनबिल्ट स्पीकर भी दिया हुआ है, जिसकी परफॉर्मेंस बोलूंगा कि ठीक ठाक है। अगर आपके पास स्पीकर्स वगैरह नहीं है जो एक्सटर्नल, तो आप इसका जो इनबिल्ट स्पीकर है यूज कर सकते हो, काफी लाउड भी है। लेकिन अगर आपको थोड़ा और एक्सपीरियंस एनहांस करना है, सिनेमैटिक एक्सपीरियंस चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप जो एक्सटर्नल स्पीकर साउंड बॉक्स वगैरह यूज करो। बाकी इसमें आपको सिंगल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ 5.0 का भी सपोर्ट दिया हुआ है, तो अगर आप कोई एक्सटर्नल हेडफोन्स या फिर स्पीकर लगाना चाह रहे हो, कनेक्ट करना चाह रहे हो, तो इजिली कनेक्ट कर सकते हो। और बाकी सेटिंग्स की बात करें, तो जैसे मैंने बताया था इसमें आपको 4D की स्टोनिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो किसी भी सर्फेस पर अगर आपको इसको प्रोजेक्ट करना है और थोड़ा बहुत भी एंगल्स वगैरह टेढ़ा मेढ़ा है, तो आप यहाँ पर ये जो ऑप्शन यूज करके जो एंगल्स है उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो। तो ओवरऑल यहाँ पर इस जो प्रोजेक्टर की जो पिक्चर क्वालिटी है वो काफी बढ़िया है,
है, काफी शार्प स्क्रीन है 1080p में। अगर आप जैसे मूवीज वगैरह देख रहे हो या फिर आईपीएल के मैचेस भी देख रहे हो तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। उसके अलावा कलर मुझे यहाँ पर काफी बढ़िया लगे हैं, और यहाँ पर जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है या फिर ब्राइटनेस का जो लेवल है इस प्रोजेक्टर का वो भी काफी बढ़िया है। लेकिन एक चीज बोलूंगा, क्योंकि एक एंड्रॉइड प्रोजेक्टर है तो इसमें आपको जो यूआई मिलता है उसमें, जैसे अगर आप यूट्यूब पर वीडियोज वगैरह देख रहे हो तो वहां पर आप 1080p तक रेजोल्यूशन उसे सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले जितने भी ऐप डाउनलोड करोगे इस प्रोजेक्टर में, जैसे कि हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स वगैरह, तो वहां पर आपको जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन मिलेगी वो मिलेगी 480p की। तो अगर आप इन प्लेटफॉर्म पर फुल एचडी में कंटेंट देखना चाहते हो तो मैं रेकमेंड करूंगा आप जो एक्सटर्नल मीडिया डिवाइसेस रहते हैं, स्ट्रीमिंग डिवाइसेस रहते हैं, उनको यूज करो। बाकी ओवरऑल इस प्रोजेक्टर की जो परफॉर्मेंस है, डिस्प्ले क्वालिटी, ब्राइटनेस या फिर जो भी आपको फीचर्स मिल रहे हैं, जितने भी प्रोजेक्टर आपको मिल रहे हैं मार्केट में 20,000 रुपये में, उसमें से मैं बोलूंगा कि सबसे बेस्ट है। और डेफिनेटली अगर आपको कोई भी प्रोजेक्टर चाहिए 20,000 रुपये से नीचे, तो आप ये जो प्रोजेक्टर है ZECO W2 Pro इसकी तरफ जा सकते हो। और अगर आपने इसको खरीदना होगा तो मैंने इसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो आपको कैसा लगा ये प्रोजेक्टर, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर आप किसी प्रोजेक्टर का रिव्यू देखना चाहते हो इस चैनल पर, वो भी आप नीचे कमेंट कर दो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं मना।